हमारे साथ मौजूद है मिनाहिल मलिक। मिनाहिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल क्या हाल चाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मिनाहिल जरा जोर से गरज बरस के बोलना, जो आपके व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, इस टाइम बहुत इंतजार कर रहे हैं आपका। और हमें इतने टेक्स्ट कह रहे थे कि भाईजान मिनाहिल को ले आओ टिकटिकी में, किसी दिन मिनाहिल को ले आओ। पहले सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे? व्यूअर्स को बस थैंक यू कहना चाहूँगी, और जो लाइक इतना प्यार भी करते हैं और जिन्होंने हेट भी किया उनको भी थैंक यू, बस और कुछ नहीं। ऐसे जिन्होंने भाईजान हेट भी किया, जिन्होंने सपोर्ट भी किया, सबका शुक्रिया। अच्छा मिनाहिल, आपकी ईद कैसी गुजरी है बताएं? ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। कैसी गुजरी है? मतलब कि फूफो के घर, खाला के घर, इस तरह होते हैं? एक्चुअली यहाँ मेरे सारे रिलेटिव्स नहीं हैं, सिर्फ खाला रहती हैं। हम लोग वैसे ही तो ईद लाइक मेरे फादर जो हैं वो यहाँ से बिलोंग नहीं करते, हम लोग बिहारी से बिलोंग करते हैं, तो हम वहाँ जाते हैं, लेकिन ये वाली ईद मैंने सोचा मैं यहीं करूँगी, तो अभी तो घर में हूँ। काफ़ी सवाल हैं जो मिनाहिल मलिक के जो व्यूवर्स हैं, जो देखने वाले हैं टिकटॉक पे जो फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो हमें लिस्ट दी है, तो काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो हम लिख के लाए हैं। आज पूरा हमने जो रजिस्टर है उसको फुल किया हुआ है, तो कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो सवाल हैं मिनाहिल से पूछ सकें। अच्छा मिनाहिल, मुझे ये बताओ कि कुकिंग शुकिंग आती है कोई के या नहीं? बस रोटी आती है और चाय, बस और कुछ नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? नहीं, मिनाहिल को कुछ भी नहीं आता। मिनाहिल को रोटियां बनानी आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मिनाहिल आपको कुछ खिलाए, तो आप सालन वगैरह बाजार से ले हैं, रोटी मिनाहिल बना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सो क्या होगा, ईदी कम इकट्ठी हुई है, जरा व्यूवर्स देख रहे हैं इस टाइम ईद का दिन है, कि परेशानी किस चीज़ की? जरा स्माइल कर। परेशानी बिल्कुल नहीं है। मैं उनसे बोलो टिकटॉक पे तो आपकी इतनी आवाज़ होती है, इतनी आवाज़ होती है, यकीन जानो थोड़ी कम करके देखनी पड़ती है। ईदी कितनी इकट्ठी हुई? ईदी बताते नहीं होते नहीं, व्यूवर्स देख रहे हैं आपके, चाहने वाले देख। नहीं ईदी नहीं बताते, नहीं थोड़ा सा गेस, थोड़ा सा मिल जाती है, थोड़ी थोड़ी बहुत मिल जाती है। अच्छा एक सवाल मैं पूछने वाला हूँ आपके, किसी व्यूवर्स ने, चाहने वाले ने दिया कि ये जो मिनाहिल हारिस है, मिनाहिल हारिस है, ये क्या चक्कर है, क्या माजरा है, ये क्यों इतना ट्रेंड पर चल रहा है टिकटॉक पर, ये क्या इसके पीछे है, क्या सबको बताओ? इसके पीछे कुछ भी नहीं है, हम अच्छे। वो क्या समझ रहे हैं लोग के कोई रिलेशन है, कोई क्या चक्कर है, क्लियर कर दो सब कुछ। नहीं बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है, हम दोस्त हैं। हाँ जी, तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि मिनाहिल जो है बहुत अच्छी सिंगर हैं, और इन करीब 3-4 पाकिस्तानी जो मूवीज़ हैं उनमें इनके सॉन्ग नहीं आ रहे, मजाक कह रहा हूँ, ये गाने वगैरह बिल्कुल नहीं गाती, मगर हमने जो है इनको क्या रिक्वेस्ट की है बार बार, क्योंकि हमारा काम है टिकटिकी लगाना। वैसे मैं ज़्यादा ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ, तो अच्छा चलें ठीक है, मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। बैठ के मिनाहिल के लिए मैं कहता हूँ मिनाहिल से आ गई है। मिनाहिल मुझे ये बताएं आप कि मिनाहिल मलिक शादी जो है लव मैरिज करेंगी या अरेंज? अच्छा शादी जो है वो पेरेंट्स की इजाज़त से ही होनी चाहिए, अगर आप बेशक लव भी कर रहे हैं तो उनकी इजाज़त होगी तो आपको करनी चाहिए, वरना अगर नहीं है तो आपको उस चीज़ की तरफ जाना। अगर आपको एक मौका मिले, मतलब कि जितने भी टिकटॉकर्स हैं उसमें से किसी एक को प्रपोज करने का, तो किसको करती? पाकिस्तान में से? पाकिस्तान में या किसी को भी? किसी को भी। आप भैया आपने अच्छा सवाल पूछ लिया, अवेज़ दरबारी, क्योंकि पाकिस्तान में से मैं बता नहीं सकती। अच्छा वैसे तो आप मेरे से बड़ी हैं एज में, मैं छोटा हूँ, तो एज को लेके ना टिकटॉक पे बड़ा चल रहा है, तो आप हंस भी रही हैं उस सवाल पे, क्या माजरा है, कितने साल की हैं कोई कह रहा? आपने कहा था पता नहीं 17-18 साल की हूँ मैं, तो बाद में आपने कहा था नहीं वो गलती होगी, फ्रेंड थी, वो क्या माजरा था, क्या एज असल में है क्या आपकी? मैंने ऐसा किसी ने कहा कि पता नहीं मिनाहिल ने कहा मैं 17 साल की हूँ, 18 साल की हूँ, कोई ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। मैं हूँ 17 साल की। मतलब अभी आईडी कार्ड नहीं बना हुआ आपका? मैं कुछ नहीं कह सकता, कसम से यार। हाँ जी कसम से, मैंने ऐसा तो कहा भी नहीं है, मैं रियलिटी है, मैं 17 ईयर्स की, मैंने 18 ईयर्स के होना है। कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जिसके साथ आपको अच्छा लगता है वीडियो बना के, और कौन सा ऐसा टिकटॉकर है जिसके साथ आपको कोई दूर से भी नजर आए तो आप कहती हो अच्छा सॉरी मैं घर जा रही हूँ मामा की कॉल आ गई? एक दो बता सकती हैं? एक ही बता, जितने मर्जी बता दो। अच्छा लगता है जिनके साथ? वैसे तो सबके साथ ही अच्छा लगता है। एक दो बताएं ना जिनके साथ सबसे अच्छा लगता है, कोई एक दो वो बताएं कि जब वो कहेंगे मिनाहिल वीडियो बना ले तो आप कहती हो अच्छा सॉरी मामा की कॉल आ गई। नहीं ऐसा तो कोई भी नहीं है।
कोई एक दो बताने पड़ेंगे, ऐसा है ही नहीं कोई अच्छा होता है ना कोई कि जिसके साथ आपको नहीं अच्छा लगता वीडियो बनाना। अब्दुल्ला अकबर। तो अब्दुल्ला अकबर, तुम्हारे साथ मिनाहिल को वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, आइंदा गलती नहीं करनी वीडियो बना के। अच्छा अच्छा किसके साथ लगता है उनका भी बता दो ना एक दो। हारिस, जेब और एहसन। हारिस भाई, जेब भाई और एहसन भाई, आपके साथ वीडियो बनाना अच्छा लगता है। अच्छा मिनाहिल, मैं अब आपसे कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूँगा, तो आपने मुझे बताना है कि जब मैं उनका नाम लूँगा आपके जहन में क्या आता है। कोई मोटे मोटे लोग आते हैं, कोई मोबाइल बांटने वाले लोग आते हैं, मतलब कि नवाज शरीफ आ गया जहन में, इमरान खान आ गया, कुछ भी आ गया आपने बता देना। और अच्छा मोबाइल मैंने पकड़ा कि ये ना समझिएगा कि हम भी कोई ऐसा सेगमेंट रखने जा रहे हैं कि हम मोबाइल बांटेंगे, तो भाई हम गरीब लोग हैं, हम आईफोन नहीं बांट सकते, सॉरी। अच्छा मिनाहिल, हारिस अच्छा दोस्त है। जन्नत। जन्नत, हेयर अच्छे बाल हैं। अच्छा अच्छे बाल हैं। अलिशबा, आंखें। आंखें अलिशबा, तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। जुल्कर नैन। जुल्कर नैन, फनी वीडियोस। फनी वीडियोस जुल्कर नैन भाई, फनी वीडियोस। अली भट्ट। अली भट्ट नॉर्मल। नॉर्मल अली भाई, सॉरी। अच्छा मिनाहिल, मैं अपने बारे में बताऊं? सबसे अच्छे टिकटॉक हैं, सबसे अच्छे टिकटॉक हैं भाई। अच्छा अरिका। अरिका स्लोमो। स्लोमो स्लोमो वीवो, कौन सा मोबाइल है उस पर अच्छे बनते हैं काफ़ी, पता नहीं अब उसके बाद कौन सा है। अच्छा रूहा। रूहा को मैं नहीं जानती। अच्छा रूहा, सॉरी रुमैसा। रुमैसा उनकी भी फ़नी वीडियोस। रुमैसा आपकी फ़नी वीडियोस जो है मिनाहिल को अच्छी लगती हैं। मुस्तफ़ा शाह। मुस्तफ़ा अली शाह पर्सनैलिटी। मुस्तफ़ा भाई कैसे हैं, याद है गिलगित में भी मुलाकात हुई हमारी। अच्छा एम जे एहसन। एम जे एहसन मुझे लगता है अच्छी पर्सनैलिटी, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी उनकी। नहीं मुझे ये बताओ कि टिकटॉक मतलब कि अभी तो आप 17 साल की हो, तो मतलब कब बनाने स्टार्ट की थी? 11 साल की एज में, 12 साल की एज में, 13 साल की एज में कब शुरुआत की थी? मैंने 2018 में की थी दिसंबर में, बट मैंने अंदर 6 मंथ जो था वो अकाउंट प्राइवेट कर दिया था। अब फॉलोअर्स कितने आपके और कितना मतलब कि अरसा, 2 साल ही लगे होंगे यहाँ तक आने में? नहीं 2 साल नहीं, थोड़ा कम कर ले क्योंकि मैंने बताया था अभी 2 मंथ्स लाइक प्राइवेट हुआ था, तो हाँ 1.5 ईयर कर लें, और फॉलोअर्स मेरे ऑलमोस्ट 3 मिलियन है। ओके, आपने जो हारिस भाई हैं उनके साथ वीडियोस बनानी कब स्टार्ट की? 2018 से ही स्टार्ट कर ली या उसके बाद कोई सीन हुआ? उसके बाद हुआ था अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर। मिनाहिल मुझे ये बताओ कि मतलब आप तुम्हारे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, तुम 17 साल की भी हो गई, बड़ी भी हो गई, तो मतलब अभी तो नहीं हुई, तो अब कैसा लगता है? मतलब बहुत अच्छा फील होता है, लाइक जब बाहर जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा लाइक मिलने आते हैं और काफ़ी अच्छा फील होता है देख के। जब फैमिली में कैसा होता है, मतलब कजन्स वगैरह आ जाएँ तो जेलस वगैरह होती होंगी कजन्स वगैरह भी कि क्या मिनाहिल मिनाहिल? नहीं नहीं मेरे कजन्स में जेलस ही नहीं है, नहीं हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे बताओ अगर मसाल है किसी इवेंट पर जाओ आप, मतलब किसी इवेंट वगैरह पर जाओ हारिस के साथ, तो मतलब उसको वहाँ पर ज़्यादा थोड़ा सा लोग, तो कोई जेलसी वगैरह होती है कि नहीं? जेलसी नहीं होती बल्कि खुशी होती है देख के। हाँ नहीं नहीं लोग उनको देख के तो होती है, मतलब लोग जब उनके पास आते हैं उनसे मिलते हैं तो उसकी उनमें उसमें तो खुशी होती है। माजरा क्या है, लोग कहते हैं कि हारिस मिनाहिल हारिस मिनाहिल, क्या फिर मेरे जहन में बार बार सवाल आ रहे हैं कि यार पूछो कि दोस्त नहीं है ये, क्या है ये बताएं आप? दोस्त ही हैं। अब मैं कह दो हारिस भाई हैं मेरे, हारिस भाई हूँ जैसे दोस्त भी हैं भाई, मेरा भाई एक ही है, भाई और कोई नहीं है, मेरा भाई एक ही है भाई। तो वैसे ही लोगों के लिए कह दो ना ताकि लोगों के जो दिमाग में कहना हारिस मेरा भाई भी है दोस्त भी, हारिस मेरा दोस्त ही है भाई भी है दोस्त, हारिस भाई दोस्त हैं भाई नहीं है, आवाम समझ रही है कोई रिलेशन है, भाई वाला कोई फ्रेंड वाला कोई चक्कर ही नहीं है, तो एक दफा बोल दो भाई यार। यार दोस्त हैं मतलब कह दो, एक अच्छा दोस्त है भाइयों की तरह, अच्छा दोस्त है बस, आवाम क्या समझेगी, नहीं दोस्ती समझ। मिनाहिल आपका जो मेकअप है वो बड़ा मशहूर है टिकटॉक पे, तो इसका क्या राज है, किसी से करवाती हैं, खुद करती हैं, मामा करती हैं, कोई सहेली आके करती है, और दिन में कितनी दफ़ा करती हैं? मैं दिन में एक ही बार करती हूँ और मैं खुद करती हूँ, हाँ मुझे किसी का मेकअप पसंद नहीं है। तो मिनाहिल मेकअप खुद करती हैं, किसी से भी नहीं करवाती, अगर किसी ने करवाना हो उसे कर दें? हाँ हाँ बिल्कुल कर दूँगी, किसी ने करवाना हो तो मिनाहिल कर देंगी। तो ये जो वीडियोज़ है टिकटॉक पे कितनी बनाती हो एक दिन में, कोई मतलब कोई टाइम रखा हुआ है, इसका क्या थोड़ा सीन बताओ? मैं पहले तो मैं दिन में 15-15 वीडियोस बनाती थी, तो लेकिन अब कोई इतना नहीं है, कभी दिन छूट भी जाते हैं, वरना 6-7 वीडियोस। 6-7 दफ़ा मेकअप दोबारा होता है या एक ही? एक ही बार होता है, हाँ मैं एक ही बार करती हूँ। टेक वगैरह कितनी करती हो वीडियो बनाने में? कुछ एक ही बार में बन जाती हैं, कुछ बार दो, एक दो लेना पड़ता है, ज़्यादा नहीं।
ये टिकटॉक है, इससे कोई अर्निंग वगैरह भी हो रही है कि बस वीडियोज ही बनाती जा रही हो, मेकअप करती जा रही हो, लिपस्टिक मेकअप जो है उस पर पैसे लगाती जा रही हो, कोई अर्निंग भी हो रही है टिकटॉक से कि नहीं? नहीं, टिकटॉक से तो नहीं अर्निंग हो रही, लेकिन उससे लाइक प्रमोशंस काफ़ी मिलती हैं, तो वो उससे अर्निंग हो जाती है। कितनी अर्निंग हो जाती है ये नहीं बताते, सीख थोड़ी कम ज़्यादा नहीं, आप सीधी मांग लेते? नहीं नहीं ये नहीं बताते, अर्निंग नहीं बताते, बताती हैं मगर अच्छी खासी अर्निंग कर लेती हैं मिनाहिल। अच्छा मुझे बताओ मिनाहिल, जो टिकटॉक पे तुमने देखा होगा कि यार जेलस बहुत होता है हर कोई ना एक टिकटॉकर दूसरे से, तो इसको कैसे देखना चाहिए, कैसे इसमें जो कमी हो सकती है कैसे कम किया जा सकता है? एक टिकटॉकर है वो दूसरे के खिलाफ वीडियोज़ बना रहा होता है, दूसरा तीसरे के खिलाफ बना रहा होता है, तो ये क्या माजरा है, इसको कैसे देखती हो आप? नहीं, जेलसी मेरा ख्याल कुछ लोगों में होती है लेकिन मेरे में नहीं है। आपकी नहीं बात कर रहा मैं, वैसी बात कर रहा हूँ कि टिकटॉक पे ये ट्रेंड चल रहा है कि एक टिकटॉकर दूसरे के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, वो उसको कहता है जी वो ऐसे